नोकिया ने आज भारत में लॉन्च कर दिया अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है नोकिया 3.2। पर क्या यह आपका नेक्स्ट बजट स्मार्टफोन हो सकता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तो मोबाइल इंडिया और मैं हूं रोहित। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोकिया 3.2 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ये छोटा सा जो बेल आइकन दिख रहा है आप उसको जरूर प्रेस कीजिए। तो नोकिया 3.2 के बॉक्स में आपको मिलता है नोकिया का नया फ़ोन, साथ ही आपको मिलता है एक पावर अडैप्टर, आपको मिलते हैं हेडफोन्स, एक माइक्रो यूएसबी केबल और क्विक स्टार्ट गाइड। तो अगर इसके फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो पीछे कंपनी ने आपको दे रखा हुआ है एक ग्लॉसी फिनिश। फ्रंट की बात करें तो आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, साथ ही आपको मिलता है ऊपर एक स्पीकर्स, और जो नीचे आप देख रहे हैं तो आपको मिलेगा नोकिया की ब्रांडिंग। और जो बेस एरिया है वो काफ़ी थिक है, जो चिन है वो काफ़ी थिक हमें लग रही है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल्स और पावर ऑन ऑफ बटन। वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है गूगल असिस्टेंट की, जो नोकिया 4.2 में भी थी, और साथ ही आपको मिलता है एक सिम स्लॉट। तो चलिए देखते हैं इस सिम स्लॉट में आपको कितने सिम्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी ने आपको दो सिम स्लॉट और एक डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दे रखा है इस फ़ोन में। अगर हम बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक सिंगल कैमरा सेटअप, और साथ ही आपको मिलता है एक एलईडी फ्लैश, और उसके ठीक नीचे आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर इसके बेस की हम बात करें, यहाँ पे आपको मिलता है एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और साथ ही आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल और एक माइक। अगर ऊपर की साइड हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 3.5 mm जैक, और साथ ही आपको मिलता है एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। और अब बात करते हैं नोकिया 3.2 के डिस्प्ले की। इस फोन में आपको मिलता है एक 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1520x720 पिक्सल्स। और अब रुक करते हैं इसके हार्डवेयर की ओर। नोकिया 3.2 में आपको मिलता है एक Qualcomm Snapdragon 429 प्रोसेसर, और साथ ही आपको मिलता है 3GB ऑफ रैम और 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और इसी के साथ अब रुक करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की ओर। नोकिया 3.2 में आपको मिलता है एंड्रॉइड 9.5 जो आता है प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ। और इसी के साथ अब रुक करते हैं इसके कैमरा की। नोकिया 3.2 में आपको मिलता है एक सिंगल कैमरा सेटअप जो आता है 13 मेगापिक्सल के साथ, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। अगर सबसे पहले बात करें इसकी कैमरा UI की तो काफ़ी सिंपल है, जैसे नोकिया 4.2 में आपको देखने को मिलता है सेम यूजर इंटरफेस आपको इसमें भी देखने को मिलता है। लास्टली अब आते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी। नोकिया 3.2 में आपको मिलती है एक 4000 mAh की बैटरी जो इजिली आपका एक दिन तो काट देगी। तो इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट जहाँ पे हम बात करेंगे इस फोन के फर्स्ट इम्प्रेशन की। नोकिया 3.2 एक काफी डिसेंट दिखने वाला फोन है, जो उसके जो बेल्ट है काफी बड़ी है, काफी बड़ा फोन ही दिखता है। यही है कि आप अगर आप फोन के एजेस पे आप पहुंचना चाहें तो आपको काफी दिक्कत आएगी। और जो सेकंड जो एक ड्रॉबैक था वो थे उसके स्मचेस, तो काफी प्रोमिनेंट थे। डिस्प्ले एवरेज लगा हमें, प्रोसेसर भी एवरेज लगा, कैमरा ठीक था, ना ज्यादा इसको अच्छा कह सकते हैं। बैटरी परफॉर्मेंस एक अच्छी चीज हो सकती है इस फोन की, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, और साथ ही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है इसका एंड्रॉइड वन की ब्रांडिंग जिसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे अपडेट्स मिल सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन देखें जैसे रेडमी नोट 7, रेडमी 7, इनफैक्ट रियलमी 3 या और भी फोन इस प्राइस रेंज में, तो वो थोड़ा सा अंडरडॉग लगता है ये। तो आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोबाइल इंडिया।